खाना खजाना देखने वालों को संजीव कपूर का प्यार भरा नमस्कार। अगर मैं आपसे नमस्कार की जगह ये पूछूं कि आज आपने कौन सी मछली खाई है, चौंक गए आप। अगर आप गोवा में हो और आपसे पूछा जाए आज आपने कौन सी मछली खाई है, तो इससे बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। एक तो ये कि आपका मिजाज कैसा है और आपकी माली हालत कैसी है। खैर, गोवा के अंदर मछली इतनी ज़्यादा लोग खाते हैं, इतना सी फूड खाते हैं कि बढ़िया खाना खाकर एकदम मस्त रहते हैं। खाना खजाना में मस्ती भरा खाना, मस्ती वाली सारी चीज़ें होती हैं, उसके साथ साथ बढ़िया खाना होता है और ऐसी कोशिश होती है कि जितना भी खाना बनाया जाए आप उसको आराम से घर में बना सकें। आज हमारा जो खाना खजाना का स्पेशल एपिसोड है उसमें मैं आपको बताऊंगा कुछ गोवन रेसिपीज़। गोवा से रेसिपीज़ हैं, बढ़िया हैं, मसालेदार हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो आप घर में आसानी से बना सकते हैं। वैसे हमने बात की है सी फूड की, मछली की, लेकिन आपके लिए कुछ वेजिटेरियन, वो इसलिए क्योंकि मैं जानता हूँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वेजिटेरियन खाना पसंद करते हैं और कभी भी कुछ नॉन वेजिटेरियन चीज़ की बात भी हुई तो टीवी बंद। तो सिर्फ आपके लिए कुछ बढ़िया सी वेजिटेरियन रेसिपी। खैर, फिश तो खानी पड़ेगी। शुरुआत करते हैं पनीर और बेबी कॉर्न बालचाव से। इसके लिए करना क्या है? बहुत कुछ करना है, खैर बहुत कम कुछ करना है। क्या करना है अभी नहीं, एक छोटे से ब्रेक के बाद। गोवा की हरियाली, गोवा के बीचेस, गोवा के मंदिर, गोवा के चर्चेस, गोवा के लोग, सभी कुछ तो अच्छा है। गोवा के खूबसूरत नज़ारे जितने खुशनुमा हैं उतना ही दिलचस्प है गोवा का खाना पीना। तरह तरह की ताज़ी सब्जियां, फ्रेश फिश या सी फूड, नारियल और मसालों की मस्ती गोवा के खाने में कुछ ऐसा रंग जमाते हैं कि उसकी मिसाल कहीं और नहीं मिलती। इसलिए जहाँ गोवा के बीचेस हजारों सैलानियों को वहां खींच कर लेके आते हैं, वहीं गोवन फूड उन्हें संतुष्ट करके वहां बार बार बुलाते हैं। मैं तो पहला मौका मिलते ही गोवा की तरफ भाग निकलता हूं। वहां के खाने वाह वाह, लेकिन उससे मजेदार वहां की शाम, खास तौर से बीच पर। वेलकम बैक खाना खजाना में एक बार फिर। मैं संजीव कपूर आज के इस गोवन एपिसोड में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसे मैंने आपसे वायदा किया है, कुछ वेजिटेरियन रेसिपीज और उसके बाद फिश से, और खास मेहमान आने वाली हैं। बहुत बढ़िया मेहमान है। कौन है अभी नहीं, अभी तो बनाते हैं बेबी कॉर्न और पनीर का बालचाव। इसके लिए सबसे पहले जो बेबी कॉर्न है, अगर फ्रेश बेबी कॉर्न है तो बढ़िया है, नहीं तो जो कैन में बेबी कॉर्न मिलते हैं उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले बेबी कॉर्न को काट लें। यहाँ पर फ्रेश बेबी कॉर्न हमने इस्तेमाल किए हैं, उसे करीब 5 से 8 मिनट तक आप उबाल लें। ये थोड़े पके हुए हैं इसीलिए आप देख रहे हैं सॉफ्ट हो चुके हैं। और बेबी कॉर्न को इस तरह से लंबा लंबा हमने काटना है। एक पेस्ट तैयार करनी है। ये जो पेस्ट बनानी है, इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ है बढ़िया सूखी हुई लाल मिर्च, ताकि जो पेस्ट है उसका रंग बहुत अच्छा है। उसके साथ इसमें लहसुन, थोड़ा मोटा है, इस तरह से लहसुन काट के डाल लेते हैं। और अदरक, ये जो फ्रेश अदरक लहसुन है उसका टेस्ट ही कुछ अलग होता है। इसके साथ इसमें जीरा, लौंग, ये जो बालचाव है उसके अंदर लौंग का टेस्ट बहुत ज़्यादा आता है, थोड़ी सी राई। इसके साथ इसमें डालें नमक और इसे पीसना है माल्ट विनेगर के साथ, जो सिरका रहता है उसके साथ इसे पीसेंगे हम। इसकी बढ़िया सी पेस्ट बना लेते हैं। एक चीज रह गई इसमें, थोड़ी सी दालचीनी। दालचीनी इसके अंदर डालकर इसकी पेस्ट बना लेते हैं। ये पेस्ट तैयार, एकदम बढ़िया लाल रंग की पेस्ट। और इस पेस्ट का हम इस्तेमाल करेंगे, खैर पकाना शुरू करते हैं। तेल, तेल गरम हो चुका है, इसके अंदर प्याज, प्याज को हल्का सा लाल करना है हमने। ये जो बालचाव है खट्टा मीठा होता है और तीखा होता है, और काफ़ी देर तक रखा जा सकता है क्योंकि इसमें तेल की मात्रा ज़्यादा होती है। प्याज जब हल्का लाल हो जाए तब आप इसके अंदर डालें टमाटर, राइप टोमेटोस। अब टमाटर के अंदर बेबी कॉर्न,
वैसे वहाँ पर तो नहीं इतना इस्तेमाल करते, लेकिन थोड़ा सा अगर इसके अंदर टमाटो प्यूरे डाल दिया जाए तो इसका जो सॉस का टेक्सचर है वो बढ़िया हो जाता है। वैसे तो लटपटी सी ये डिश रहती है। अब हम इसके अंदर डालेंगे ये पेस्ट, ये मिर्च से भरी हुई पेस्ट, इसके अंदर नमक, और जैसे मैंने आपको बताया ये खट्टी मीठी डिश रहती है तो इसके अंदर चीनी, इतना बढ़िया इसका रंग आ चुका है, बेबी कॉर्न में सब मसाला अच्छी तरह से मिल चुका है। अब पनीर, पनीर के पीसेस, और पनीर डालने के बाद इसे हल्के हाथ से हमने मिक्स करना है ताकि जो पनीर है वो टूटे नहीं। और अब ये जो पनीर और बेबी कॉर्न बालचाओ है तैयार है। एक छोटी सी चीज़ और, थोड़ा सा इसके अंदर माल्ट विनेगर, बहुत थोड़ा सा, इसे मिक्स करें और अब इसको आप गर्मा गर्म खाएं। वैसे खासियत इस डिश की ये है कि अगर ये थोड़ी ठंडी भी हो जाए, अगर रूम टेम्परेचर पे भी है या थोड़ी और ठंडी भी हो जाए, तब भी ये डिश बहुत टेस्टी लगती है, बहुत ही बढ़िया है। देखिए बातें करते करते मेरा दिल ये कर रहा है कि मैं आपसे बातें कम करूँ और इसको खाऊँ। खैर थोड़ी सी पेशेंस मैं भी रखता हूँ, आप भी रखें। मैं तैयारी करता हूँ एक बढ़िया सी रेसिपी की सिर्फ आपके लिए। कौन सी है? एक और वेजिटेरियन रेसिपी है। बहुत सारी वेजिटेरियन रेसिपीज़ हैं आज के गोवा स्पेशल में। देखना चाहते हैं तो देखते रहें खाना खजाना। मैं लेता हूं एक छोटा सा ब्रेक। पनीर और बेबी कॉर्न बालचाओ के लिए आधा किलो पनीर, 8 से 10 बेबी कॉर्न, 2 बारीक कटी हुई प्याज, 2 बारीक कटे हुए टमाटर, 2 बड़े चम्मच तेल, 3/4 कप टोमेटो प्यूरी, 2 बड़े चम्मच चीनी, 1 बड़ा चम्मच मॉल्ट विनेगर और नमक स्वाद अनुसार। बालचाओ पेस्ट बनाने के लिए 12 लाल मिर्चें, 10 कलियां लहसुन की, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का, 1 छोटा चम्मच जीरा, 8 लौंग, 1 छोटा चम्मच राई, 1 इंच का टुकड़ा दालचीनी का, आधा कप मॉल्ट विनेगर और नमक स्वाद अनुसार। इसके लिए आप बेबी कॉर्न को उबाल कर लंबा लंबा काट लें। अब एक मिक्सी में सूखी लाल मिर्चें, लहसुन, अदरक, जीरा, लौंग, राई, दालचीनी, नमक और मॉल्ट विनेगर यानी सिरका डालकर इसे पीस कर इसकी पेस्ट बना लें। एक पैन में तेल लेकर इसमें बारीक कटी हुई प्याज डालकर भूनें। अब इसमें बारीक कटे हुए टमाटर डालकर कुछ देर तक और पकाएं। इसमें कटे हुए बेबी कॉर्न, टोमेटो प्यूरे और मसालों से बनी पेस्ट डालकर मिक्स कर लें। अब इसमें डालें नमक, चीनी और थोड़ा सा पानी और करीब 2 से 3 मिनट तक पकाएं। पनीर के पीसेस डालकर हल्के हाथ से मिक्स करें और इसमें सिरका डालकर इसे अच्छी तरह से मिला लें और इसे सर्व करें। वेलकम बैक खाना खजाना में एक बार फिर। मैं संजीव कपूर आज के गोवन स्पेशल में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता देता हूं, गोवा का जो खाना है उसमें मिर्चें तो हमने देखी कि किस तरह से जो बालचाओ बनाया उसके अंदर बहुत सारी मिर्चें थी, और उसके साथ आपने एक ध्यान दिया हो हमने माल्ट विनेगर का इस्तेमाल किया था। गोवा का जो खाना है उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस है वो है पोर्चुगीज़ का। जब वो लोग गोवा में आए तो उसमें जाहिर है कि जो खाना है उस पर भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होगा। खाने के जो नाम है वो भी तरह तरह के, बढ़िया बढ़िया नाम, थोड़े मुश्किल थोड़े आसान। खैर अब जो रेसिपी है वो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसान है। टेंडर कोकोनट एंड कैशू सुके, बहुत बढ़िया रेसिपी है। अब इसे पकाना शुरू करते हैं। पैन में सबसे पहले तेल, तेल जब तक गर्म होता है तब तक थोड़ी सी और तैयारी करनी है क्योंकि ये डिश हम बनाएंगे टेंडर कोकोनट से। टेंडर कोकोनट जो हरे वाला कोकोनट होता है, ये देखिए इसमें से वैसे पानी पिया जाता है लेकिन और क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने पानी पहले इसमें से पिया है तो इसके अंदर मलाई निकलती है। देखिए ये टेंडर कोकोनट, ये जो मलाई है इसको ऐसे भी खा सकते हैं। अब इसके अंदर जो तेल गर्म हुआ है इसमें जीरा, इसके साथ क्रश्ड गार्लिक, लहसुन, फ्रेश लहसुन, और इसे क्रश करना है हमने, और लहसुन डालने के बाद इसमें बारीक कटा हुआ प्याज, प्याज को पकाना है। प्याज जब तक पकता है
हम ये टेंडर कोकोनट में से जो हमने मलाई निकाली है उसको थोड़ा काट लेते हैं इस तरह से। प्याज हल्का लाल हो गया है, इसके अंदर हम डालेंगे करी लीव्स, करी पत्ते, सिर्फ इसका फ्लेवर चाहिए। और अब इसके अंदर टमाटर, टमाटर डालने के बाद इसमें हम मसाले डाल देते हैं, इसके अंदर हल्दी और लाल मिर्च। वैसे आप चाहें तो थोड़ी सी हरी मिर्च भी इसमें डाल सकते हैं, स्लिट ग्रीन चिलीज। और अब इसके अंदर डालें काजू, ये भीगे हुए काजू हैं। काजू डालने के बाद इसमें थोड़ा पानी, पानी डालकर इसे कुछ देर तक हमने पकाना है ताकि जो काजू हैं वो एकदम बढ़िया से सॉफ्ट हो जाएं। इसमें नमक भी डाल देता हूं मैं, सी सॉल्ट। पानी डालने के बाद जब ये थोड़ी देर पक जाए तब इसके अंदर हम डालते हैं टमाटो प्यूरे, मिक्स कर देते हैं। ये जो डिश है अभी आपको इसमें लग रहा है काफ़ी ग्रेवी है, लेकिन पक कर ये काफ़ी सूखेगी बहुत ज़्यादा। और अब इसके अंदर ये कोकोनट की, नारियल की मलाई जो निकाली है हमने हरे नारियल में से, टेंडर कोकोनट में से, इसमें हमने एक तरह का तो नारियल डाल दिया है लेकिन स्क्रेप कोकोनट भी डालना है, चलिए वो डाल देते हैं। स्क्रेप कोकोनट डालकर इसे मिक्स कर लें। अब ये जो डिश है ऑलमोस्ट तैयार है, लेकिन अभी बारी है कोकोनट मिल्क की। कितना सारा नारियल है, अब इसमें हम डालते हैं हरा धनिया। इसमें बिल्कुल कंजूसी नहीं। अब ये डिश बिल्कुल तैयार, एकदम बढ़िया तैयार हो चुकी है। इसको खाने के लिए आप रोटी के साथ खाएं, पाव के साथ खाएं, सन्नाज के साथ खाएं, राइस के साथ खाएं। जो चावल है, गोवा का जो चावल है बहुत ही बढ़िया होता है, उसको पकने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है जो वहाँ का रेड राइस होता है, लेकिन खाने में बहुत अच्छा होता है। इस तरह के खाने बना के देखें किसी भी जगह रहते हो, लेकिन आजकल नारियल सब जगह मिल जाता है। बहुत ही बढ़िया डिश है, बना के देखें। ब्रेक के बाद एक और बढ़िया डिश, और वो बनाएंगी मेरे साथ, बनाएंगी या मैं बनाऊंगा, चलिए देखते हैं। आप भी देखेंगे, मैं भी देखूंगा, मैं बनाऊंगा, आप देखेंगे, खैर कोई फर्क नहीं पड़ता। छोटा सा ब्रेक लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए एक हरे नारियल की मलाई, एक कप काजू, एक बड़ा चम्मच तेल, आधा छोटा चम्मच जीरा, चार कलियां लहसुन की पिसी हुई, एक प्याज बारीक कटी हुई, 6 से 8 करी पत्ते, एक टमाटर बारीक कटा हुआ, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 बड़ा चम्मच टोमेटो प्यूरे, नमक स्वादानुसार, 2 बड़े चम्मच घिसा हुआ नारियल, आधा कप नारियल का दूध और 2 बड़े चम्मच बारीक कटा हुआ हरा धनिया। सबसे पहले काजू को गर्म पानी में करीब 3 से 4 घंटे तक भिगो के रखें और इसे छान लें। हरे नारियल की मलाई को लंबा काट लें। एक पैन में तेल लेकर इसमें जीरा, पिसी हुई लहसुन और बारीक कटी हुई प्याज डालकर भूनें। इसमें करी पत्ता डालें और कटे टमाटर, हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर डालकर कुछ देर तक पकाएं। इसमें भीगे हुए काजू, पानी और नमक डालकर कुछ और देर तक पकाएं। अब इसमें टोमेटो प्यूरी डालकर मिक्स कर लें। इसके साथ इसमें नारियल की कटी हुई मलाई डालें और इसमें घिसा हुआ नारियल और नारियल का दूध डालकर मिला लें। कुछ देर धीमी आंच पर पकाने के बाद इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालकर मिक्स करें और गर्मा गर्म सर्व करें। खाना खजाना में एक बार फिर मैं संजीव कपूर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। गोवन स्पेशल है और मेरे साथ हैं सुचित्रा, बहुत बढ़िया खाना बनाती हैं। खाती तो नहीं बिल्कुल खाती हूँ, सब कुछ खाती हूँ, डिजर्ट्स स्पेशली। आई एम नॉन वेजिटेरियन तो सब कुछ खा लेती हूँ, नो प्रॉब्लम व्हाटसोएवर। और फिश, फिश हाँ एब्सोल्युटली, मैंने अभी तक फिश पकाया नहीं है। आई डू कुक घर पे, मैं पकाती थी लेकिन फिश कभी पकाया नहीं है मैंने। फिश पकाया नहीं, प्रॉन्स यस, चिकन, मटन, यू नेम इट, बट फिश। चलिए तो ये बहुत अच्छा मौका है उन लोगों ने जिन्होंने फिश कभी ना बनाया हो। कोस्टल खाने की बात हो रही है, गोवा के खाने की बात हो रही है, तो इससे बढ़िया क्या मौका मिलेगा फिश बनाने का। तो सिंपल ही रखते हैं ताकि कुछ डर ना लगे, कुछ ना हो। तो इसमें जो स्टफिंग है वो सिर्फ मसाला कर रहे हैं, कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। मसाला कैसे बनाना है, लेकिन उससे पहले फिश को तैयार कर लेते हैं।
चलिए तो फिश थोड़ा सा इसको काट देता हूँ मैं। तो ये पॉम्फ्रेट अच्छे साइज की पॉम्फ्रेट है, जरूरी नहीं है कि इतने बड़े साइज की पॉम्फ्रेट ही लेनी हो। खैर अब इसके अंदर क्योंकि मसाला डालना है तो मसाला आप इसको हाफ करके बोनलेस करके डाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल प्रोसेस है। तो उसके लिए एक्चुअली नॉर्मल अगर हम एक्चुअली आप रियल रीजन बोल दीजिए ना संजीव जी कि बिकॉज आई वॉज कमिंग टू ईट, आपने कहा कि बहुत खाती है तो बड़ा सा पॉम्फ्रेट ले आइए। ऐसा देख के तो लगता ही नहीं, ऐसा लगता है कुछ खाते नहीं, मुझे आज तक समझ नहीं आता। ये तो हो गई तैयारी। अच्छा अब इसमें थोड़ा नमक हल्दी और नींबू का रस लगाना है, क्योंकि आपने फिश पकाई नहीं है तो मैं कहता हूँ कि आप लगाएं तो कैसा रहेगा। फर्स्ट क्लास। हाँ तो व्हाट डू आई डू फर्स्ट? हाँ नमक हल्दी और नींबू ऐसे अंदाजे से। हाँ हाँ अंदाजे से। हाँ? अंदाजे से, कोई कोई घबराने की बात नहीं है। वाह अब इसमें नींबू। फिश तैयार हो गई। तैयार क्या मतलब, उस पे मैरिनेट। हाँ हल्का सा। अब इसपे मसाला लगाना है, इसमें जो फिलिंग है, जो मसाला है, जो रेशियाद जो है वो बनेगा मिर्च और जितनी सारी चीजें पड़ी हैं इसको ग्राइंड करना है। सूखी लाल मिर्च, पेपर, ब्लैक पेपर, सिनेमन स्टिक्स, यस, दालचीनी, क्लोव, लौंग, जीरा, क्यूमिन, गार्लिक, लहसुन, विनेगर, सिरका, ओके, जिंजर, अदरक, शक्कर। तो इन सब चीजों को पीस लेना है हमने विनेगर के साथ में। यस, ब्लेंडर में पेस्ट बनानी है। पेस्ट बना के रखी हुई है। बहुत सिंपल है, बट एज यू कैन सी ये जो पेस्ट है काफी मिर्चें इसमें दिख रही हैं। तो आप लगाएंगे? ठीक है चलिए मैं लगा देता हूँ। मैं तो पर मैं वैसे लगा नहीं सकता जैसे आप इतना प्यार से लगाते हैं उसमें। तो चलिए मैं कोशिश कर सकता हूँ। तो अच्छी तरह से ये जो मसाला है वो अंदर तक जाना चाहिए और दूसरी तरफ भी सेम। तो ये मसाला लगा दिया, 10-15 मिनट रख ली, मसाला अंदर तक चला गया है। अब इसको तवे के ऊपर सिर्फ फ्राई करना है। यस, बहुत थोड़ा सा। तो तेल, रिफाइंड ऑयल। चलिए अब ये जो फिश है अच्छा इसको पलट दें। थोड़ा सा तेल डाल देते हैं क्योंकि आप फिश पका रहे हैं। हाँ साइड में। अब ये जो फिश है थोड़ा सा समय इसको और लगेगा, उसके बाद कुछ नहीं करना है। गर्मा गर्म फिश रेडी है, पकाई हुई फिश है, गर्म है। आप बीच में से इतनी खानी है कितनी भी खानी है मर्जी आपकी है। आप थोड़ी सी खाएंगे लेकिन मैं तो बहुत ज्यादा खाने वाला इसके साथ कुछ इज इट बेटर कि राइस के साथ खा जाए या ब्रेड के साथ, पाव के साथ, ऐसा कुछ? इसके साथ बेस्ट ये अच्छा सा साथी हो और साथी के साथ में खाना चाहिए। बस फर्स्ट क्लास तो हम खा रहे हैं, साथी खाएंगे। इसके लिए हमें चाहिए 2 पॉम्फ्रेट, नमक स्वादानुसार, 1 बड़ा चम्मच नींबू का रस, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और तलने के लिए तेल। मसाला पेस्ट के लिए 8 सूखी हुई लाल मिर्चें, 1/2 छोटा चम्मच जीरा, 8 लहसुन की कलियां, 6-8 काली मिर्च, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का, 5-6 लौंग, 1/2 इंच का टुकड़ा दालचीनी का, 2 बड़े चम्मच सिरका, 1/2 छोटा चम्मच चीनी और नमक स्वादानुसार। सबसे पहले पॉम्फ्रेट को धोकर साफ कर लें और इसके दोनों तरफ तेज चाकू से तिरछे चीरे लगाएं और इसके ऊपर नमक, हल्दी पाउडर और नींबू का रस लगाकर करीब 1/2 घंटे तक रख दें। सभी मसालों को पीसकर इस मसाले की पेस्ट बना लें और इस मसाले को फिश के ऊपर लगाकर करीब 15-20 मिनट तक रख दें। अब एक पैन में थोड़ा सा तेल लेकर इसमें मैरिनेट की हुई फिश को दोनों तरफ से पकाएं और गर्मा गर्म सर्व करें। खाना खजाना में आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।